थमिछ मेंट चर्चा वर्तमान क्लियर होती पिक्चर बीजेपी एकाकी लड़ एने राज्य जे सभापति रही भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सामल ट्वीट कर सहित निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार जोड़ी सीधा सड़क सहित आलोचना करवा सर सर्वप्रथमे चैनल को स्वागत करता हूं। जो मेसेज पूरा भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता वेट कर रहा था वो मैसेज आप दे चुके हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू के दिन से 147 विधानसभा और 21 लोकसभा की तैयारी पर लगी रही। हम चाहे वो हमारा संगठन का काम हो, चाहे हमारा मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर में लहर चल रही है, और किस कारण से चल रही है कि उन्होंने गरीब के हित में सारे उपलब्धियां हैं उनकी, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम हो, लाभार्थियों से संपर्क करने का काम हो, महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का, सब कार्यों को लेकर घर घर जा रहे हैं। तो हमारा तो कार्य हमेशा 147 विधानसभा और 21 लोकसभाओं के लिए चल रहा है। तो ये जो अलायंस को लेकर जो बात चल रहा था ये अब दूर हो चुका है, तो आप आज के डेट में आपके कार्यकर्ता जो डिमोरलाइज हो गए थे, जो मोरल डाउन हुआ था, जो उनको लेकर तो ये जो चर्चा के बीच में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, कभी भी मोरल डाउन नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि जब भी बात हुई तो हमने यही कहा कि हमारी मीडिया कोई हम मीडिया में सुन रहे हैं अलायंस हो रहा है, हमारे स्तर पर कभी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, ये मीडिया द्वारा या बीजेडी के नेताओं द्वारा चलाया जा रहा है, हम हमेशा ये कहते थे और हम अब भी ये कह रहे हैं कि वहां की सरकार की नाकामियां, वहां की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की उपलब्धियां जो हवा देश भर में चल रही है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उसको घर घर तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं। ये लहर जो चल रही है, इसने उड़ीसा में भी ये लहर है, ये पॉलिटिकल सीनरियो जो चेंज हो रहा है अभी उड़ीसा में, लग रहा है कि आपका मैसेज को ही वेट कर रहे थे कुछ लीडर, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, कि वहां पे रेजिग्नेशन देना शुरू हो चुका है, यहाँ पे क्या ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगा? आशा है मुझे, क्योंकि ये नई बात नहीं है। जब किसी पार्टी के पक्ष में हवा होती है तो लोग उधर को आते ही आते हैं, और अच्छे लोग आएंगे तो हम उनका स्वागत भी करेंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, बीजेडी से भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएंगे उन सबका हम स्वागत। कितने लीडर अभी कनेक्ट में हैं आप? अभी मैं ये पूरा आपको नहीं बता सकता जो कनेक्ट में हैं, वो निश्चित रूप से हमारे केंद्र में भी हमारे नेतृत्व बैठे हैं, हमारे प्रदेश के भी अध्यक्ष हैं, सब मिलकर संगठन मंत्री भी हैं, और सबके पास अपने अपने हैं, सब जो भी लोग आ रहे हैं बीजेडी से आए, कांग्रेस से आए, हम सबका स्वागत करते हैं। जो अभी सर पॉलिटिकल सीनरियो है, क्या मैसेज लेके आप लोगों के पास जाएंगे, फोकस क्या रहेगा सेंट्रल बीजेपी, कितना फोकस है उड़ीसा को लेकर? देखिए, फोकस ये रहेगा, देश भर में आयुष्मान कार्ड की योजना लागू है, गरीब लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है, उड़ीसा के अंदर नहीं है, क्या कारण है? वो कहते हैं हमारी अपनी योजना है, वहां का कार्ड दूसरे स्टेट में नहीं चल सकता देश में, क्या उड़ीसा के लोग देश के अंदर और कहीं नहीं जाते? और प्रदेशों में भी अपनी स्टेट की योजना है, लेकिन आयुष्मान कार्ड बहुत जगह बीजेपी की जहां है वहां सब जगह लागू कर रखा है, वो क्यों नहीं लागू कर रहे? दूसरा, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात है, वहां पर क्यों अड़ंगा लगाया जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा? किसान सम्मान निधि के नाम पर बड़े पैमाने पर रिवेन्यू रिकॉर्ड गड़बड़ है, ठीक नहीं है, किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा गड़बड़ मामला है। तो आप ये बोल रहे हैं कि केंद्रीय स्कीम जो है उसको लेकर ग्राउंड पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं और उड़ीसा में भी हुए हैं, यदि 11 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले हैं, इतने बड़े पैमाने पे आवास बने हैं, तो वहां भी 56 लाख को मिले हैं, 30 लाख के करीब वहां भी मकान बन गए हैं, लेकिन आज भी वहां जो सैंक्शन है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो वहां की सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र की योजनाओं पर वो ठप्पा ठप्पा लगाते हैं, और जो पूरे देश भर में जो मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे हवाई यात्राएं का हो, सारे क्षेत्रों में जितने काम हुए हैं वो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इस कारण पूरे देश भर में मोदी जी के एक नाम पे बीजेपी की लहर है और वो उड़ीसा में दिखाई दे रही है। अगली बार 400 पार ये जो नारा है, उड़ीसा में कितना होगा सर? उड़ीसा के अंदर हम स्टेट में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, और वहां पर मैं शुरू के दिन से कह रहा हूँ 16 से अधिक सांसद हमारे जीत के आएंगे। विधानसभा हमारी स्पष्ट बहुमत आएगा, 147 है, स्पष्ट बहुमत के साथ 80 पार करेंगे हम।
अभी की जैसे लहर वहां से 3-4 विधायक भी आ चुके हैं और भी कई सारे ऐसे सुनने मिल रहा है कि कनेक्ट बहुत है आप लोगों के साथ, तो ये क्या दर्शाता है कि जो एंटी गवर्नमेंसी फैक्टर आप हर बार चुनाव में बोल रहे थे, क्या इस बार सक्सेस होंगे उसमें आप? निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है और विशेष रूप से जो सुपर सीएम है उसके खिलाफ जो आक्रोश है, वो जनता उसको एक देख रही है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आप बोल रहे हैं सुपर सीएम, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे? जनता को पता है, जनता सब जानती है, जनता जानती है, इसीलिए जनता चाहती है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बने और बनेगी। निश्चित भाव दृढ़ोक्ति देखी डबल इंजिन ना सरकार हे और से कहते से मेट पक्षे ना जो मेसेज थिला ता केवल सीमित आप गणमाध्यम कथा कहतु बा किसी नेता द्वारा ही चर्चा होता कि मेट फोर ना बर्तमान मेट कथा क्लीयर हो सारी कर्मी बहुत उत्साहित अच्छा जो केन्द्रीय पॉलिसी रही जो योजना रही जो स्कीम रही नहीं कि से लोकों पाखक जी तेज एथे बीजेपी केत सफल हो राज्यवासियों को केत निज सपक्ष में भोट आणवे सफल होता देखार विषय। कैमरा पर्सन नीरज का सहित गगन अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।